नमस्कार दोस्तों, वोटिंग से ठीक चार दिन पहले दोनों चुनावी राज्यों यानी महाराष्ट्र और झारखंड का माहौल क्या है, दोनों चुनावी राज्यों में कौन सरकार बनाने की स्थिति में है, झारखंड में जेएमएम ही रहेगी या फिर बीजेपी आएगी, महाराष्ट्र में भाजपा की जाने का समय आ गया है या फिर नहीं, आज के इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में दो सर्वे आए हैं, दोनों सर्वे आपको दिखाऊंगी और उसके बाद महाराष्ट्र के पत्रकार क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहला सर्वे है लोकपोल का सर्वे, ये देखिए, ये रहा। ये सर्वे कहता है कि इसके बाद महाराष्ट्र में महायुति का सफाया होने जा रहा है। लोकपोल के सर्वे में महायुति यानी एनडीए बहुमत के आंकड़े 145 से बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। लोकपोल के सर्वे में बीजेपी 128 तक पहुंचती हुई दिख रही है। इंडिया यानी महाविकास अघाड़ी को इस सर्वे में 162 सीटें दी गई हैं, लगभग 46% वोट इंडिया के पक्ष में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में ज्यादा से ज्यादा 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अब महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े महाराष्ट्र के इस चुनाव पर ठीक तीन दिन पहले क्या कहते हैं वो भी हमें जानना चाहिए। उनकी नजर में महाराष्ट्र कौन जीत रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। सुनिए। मैं अभी आज ही सुबह महाराष्ट्र से वापस आया हूँ। करीब करीब 10 दिन मैं महाराष्ट्र में ही था। मैं विदर्भ से लेके मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे, कोकण, संभाजीनगर यानी वहां मराठवाड़ा होते हुए खानदेश, धुलिया मेरा आखिरी स्टॉप था। कल रात को मैं धुलिया था और आज आया। बाय एंड लार्ज वो जो पोल सर्वे बता रहा है, मैं थोड़ा सा इसका उल्टा जाता हूँ। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि सत्ता पक्ष कितना रिटेन करता है अपनी सीटें। भाजपा कितनी सीटों पर लड़ती है वो मायने नहीं रखती। भाजपा जो रिटेन करती हुई सीटें दिख रही है मुझे, वो 70 से 80 के बीच में भाजपा को सीटें मिल सकती है। और अजीत पवार ये 10 से नीचे आ सकते हैं और एकनाथ शिंदे 20-25 के बीच में रह सकते हैं। यदि ये आंकड़ा हो गया तो ये 120 पे रुक जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, महाराष्ट्र में मैजिक फिगर जो है वो 146 का है, 146 पे आप सरकार बना लेते हैं। बाकी बचा हुआ खेल जो है वो महायुति का होगा। लेकिन फिर उस हिसाब से महायुति यदि 120 पे आ जाती है तो बाकी बची हुई सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें ये हो नहीं रहा है, उसमें इसलिए नहीं हो रहा है कि इंडिपेंडेंट बहुत जीत रहे। तो दोस्तों, आपने अशोक वानखेड़े को महाराष्ट्र में क्या होने वाला है इस पर सुना। अब हमारे पास लोकनीति का भी एक और सर्वे है, वो क्या कहता है उसको भी देखते हैं। दोस्तों, लोकनीति के सर्वे में महाविकास आघाड़ी के दलों को अलग अलग बांटा है। इसमें कांग्रेस को 68, उद्धव वाली शिवसेना को 41 सीटें, शरद पवार वाली एनसीपी को 44 और छोटे दलों को 5 सीटें दी हैं। तो कुल महाविकास आघाड़ी की सीटें अगर जोड़ें तो ये होती है 158। यानी लोकनीति के सर्वे में भी महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तरफ महायुति यानी एनडीए खेमे में लोकनीति ने बीजेपी को 79 सीटें दे दी हैं। शिंदे वाली शिवसेना को 23 सीटें, अजीत पवार को 14 सीटें और दूसरी छोटी पार्टियों को 15 सीटें दे दी हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर महायुति यानी एनडीए को 131 सीटें जाती हुई दिख रही है, जो कि बहुमत के 145 के आंकड़े से बहुत पीछे है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों का चुनाव छोड़कर नरेंद्र मोदी विदेश चले गए हैं। 5 दिन तक विदेश दौरे पर ही रहेंगे। अब ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव छोड़कर मोदी विदेश जा रहे हों। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि भारत में पार्षदी का भी चुनाव चल रहा है और मोदी विदेश के दौरे पर चले जाएं। दो दो राज्यों में चुनाव है और मोदी का विदेश जाना वाकई हैरान करता है। प्रधानमंत्री को यदि गारंटी है जीतने की तो वो अपना स्टे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्रेडिट लेने के लिए। आप यूपी का पहला चुनाव देखिए कैसे वो 3 दिन तक रुके थे यूपी में, बनारस में, आखिरी 3 दिन। तो फिर हार मान ली है क्या कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, गई भैंस पानी में? हो सकता है कि उन्हें लगा कि वो कटेंगे बटेंगे जो उन्होंने हरियाणा में किया वो नहीं हो सकता महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना भी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है शरद पवार की। और मैं बार बार कहता कि कांग्रेस इजी टारगेट क्यों होती है, कांग्रेस के नेता क्यों बिक जाते हैं? उनको लगता है कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है। जितने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और ऑफिस बेयरर है वो तो एक राजा जैसी जिंदगी जी रहे हैं। 3-3 राज्य सरकारें उनके पास है, किस चीज की कमी है जी? लेकिन अजीत पवार, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे यदि महाराष्ट्र में हार जाते हैं तो उनके पास क्या है? अखिलेश यदि यूपी हार जाते तो उनके पास क्या है? इसलिए ममता यदि बंगाल हार जाती तो उनके पास क्या होगा?
स्टालिन केरल कर्नाटक हार जाता तो तमिलनाडु हार जाता तो उनके पास क्या है? इसलिए वो जब अपने राज्य पे आती तो पूरे ताकत के साथ लड़ते, वहां स्लीपर सेल वाला खेल ज्यादा नहीं चलता। अच्छा हालांकि हर जगह स्लीपर सेल तो है ही थोड़े, तो वहां बीजेपी को बहुत डिफिकल्ट जाता है। जी कांग्रेस को पता है यार, क्या मैंने बोला हार जाएगी भाई कांग्रेस, बोले हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, इतनी चुनाव हारे एक और सही। महाराष्ट्र के बाद झारखंड की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। झारखंड में जेएमएम ने भारतीय जनता पार्टी के दांत बहुत खट्टे किए हुए हैं। जेएमएम में कल्पना सोरेन के लिए लोगों का भरोसा जिस तरह से जागा है वो अकल्पनीय है। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद राजनीति में आई है, लेकिन उनकी रैलियों में आ रही भीड़ मोदी और शाह की रैलियों को टक्कर दे रही है। कल्पना सोरेन जिस स्टाइल में और जिस आक्रामकता के अंदाज में रैलियां कर रही हैं, उनको देखकर लगता ही नहीं है कि उनको राजनीति में अभी एक साल पहले उनका डेब्यू हुआ है। एक नंबर का बटन दबा करके तीर धनुष में उसमें बटन दबा करके अपना प्यार जताना है। अब दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने कमान संभाल ही रखी है। मोदी शाह की जोड़ी को झारखंड में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी मात दे रही है। झारखंड में आज की तारीख में इंडिया का पलड़ा भारी दिख रहा है। अगर चुनाव आयोग ने अपना काम ईमानदारी से किया तो झारखंड में सरकार बदल जाने का जो क्रम है वो टूट सकता है। इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर और संविधान के मुद्दे पर मजबूती से घेरी हुई है भाजपा। मैं चुनौती देती हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, मैं चुनौती देती हूँ कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। और देश का प्रधानमंत्री खुलकर स्टेज में झूठ बोलता है, कहते हैं कि राहुल गांधी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चला है कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में, हर रोज हम कहते थे संविधान को बचाना है। दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोदी और शाह को घेर रखे हैं। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन, शरद पवार की पार्टी, उद्धव की पार्टी सब मिलकर लोकल इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं। स्थानीय भाषाओं में बीजेपी पर टूट पड़ रहे हैं। परिणाम क्या होगा वो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव दिखाई दे रहा है जहां विपक्ष बहुत मजबूती के साथ बीजेपी गठबंधन के सामने चट्टान की तरह खड़ा है। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।